गुड मॉर्निंग क्लास। जो हम सॉयल वाले पार्ट्स को देख रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉयल इरोजन्स। तो सॉयल इरोजन्स सॉयल के फॉर्मेशंस और सॉयल की डिग्रेशंस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अभी हम क्लासिकल टाइम पीरियड पे इस सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप कोविड के कारण स्कूल में जा रहे हैं, तो आपने बारिशों में ऐसा ये सीन तो देखा होगा, आपने देखा है, आपने ये बहुत नॉर्मल सीन है। मैं आपको खतरनाक सीन ही दिखा रहा हूँ, पहाड़ निकलते हुए, वो तो एक्सेप्शनल सीन्स है। हमारे खेतों में भी ऐसा होता है। तो ये पानी निकल रहा है, ये पानी नहीं निकल रहा है, ये सॉयल को भी अपने साथ ले जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको मटमैला पानी दिख रहा है ब्राउन कलर्स का, ये सॉयल, ये देखिए आप, ये सॉयल इरोजन से ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये प्रोसेस सॉयल को ख़राब भी करती है, सॉयल का डिग्रेशन भी करती है, और सॉयल का फॉर्मेशन भी करती है। अगर एक जगह से इरोज होकर जाएगा माउंटेन एरिया से, जिसके बारे में हम लास्ट प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे, तो इस सिल्ट्स को, यहाँ से क्ले को, ह्यूमस को, ये लेके कहीं ना कहीं तो ले जाएगा, ठीक है। जो काम रिवर करती है, तो वहाँ सॉयल फॉर्मेशन होगी। ये नॉर्मल सीन है, ये तो आपको अपने खेतों में भी दिखता हुआ। ये सारा का सारा जो इस तरह का ब्राउनी कलर का वाटर है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि स्लोप है, ये सॉयल को ले जा रहा है, टिनी पार्टिकल्स को, सबको नहीं ले जाएगा, रॉक को नहीं ले जाएगा, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ले जाके कहीं स्टोर कर देगा, वहाँ सॉयल फॉर्म हो जाएगी। तो सॉयल इरोजन्स क्या है कि जो सॉयल कवर होता है ना, ये सॉयल का कवर है, ये जो सॉयल का कवर है, इस जब ये वॉश हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉयल इरोजन्स। वॉश किससे होगा, एयर से। वॉश किससे होगा, वाटर से। एयर किससे, वॉश किससे होगा, ह्यूमन के मूवमेंट से, एनिमल के मूवमेंट से, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। तो सॉयल इरोजन्स क्या है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम जंगल काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग, जानवर चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, इसके कारण से क्या होता है आपका सॉयल इरोजन्स। ऑल्सो देयर आर सम नेचुरल फोर्सेज, कुछ एक नेचुरल फोर्स जैसे विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, विच लेड टू द सॉयल इरोजन, ये भी सॉयल इरोजन्स को करते हैं। सॉयल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ द फार्मिंग, जो घटिया तरीके होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के, माना जाता है उसके कारण भी। ये कौन से तरीके, जहाँ खेतों को बहुत ज़्यादा जोतते हैं, जहाँ सेल्टर बेल्ट नहीं होती है, जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, तो ये जो तरीके हैं, इनके कारण सॉयल इरोजन होता है। और रनिंग वाटर क्या करता है, चलो ये बहुत लंबा हो रहा है प्रेजेंटेशन, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये चीज़ें बाद में आ जाएंगी। तो हमने वही कहा कि नेचुरल वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल, जो ऊपर का हिस्सा सॉइल का निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन्स। इसको आप देख सकते हैं जब भी आपको पॉज करने का समय मिले। ये कहीं मैंने वेस्ट का पिक्चर लिया गया, ये देखिए सॉइल इरोजन्स है। जब बारिश आई, क्योंकि यहाँ पर ढलान था, इस पूरे एरिया को, इसके ऊपर के एरिया को ले गए, तो यहाँ से तो सॉइल इरोज हो गया, लेकिन कहीं जाके उसने रिस्टोर तो किया होगा इसको। ये मैंने एक सैटेलाइट इमेज दिया है उत्तराखंड का, जिसमें ये दिखा रखा है कि सॉयल एंड लैंड यूज पैटर्न है, तो इरोजन्स क्लासेस मैप ऑफ द उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का एक किस तरह का अलग अलग इरोजन्स है, स्लाइड्स है, तो उसमें दिखा रखा है कि अलग अलग तरीके से हमारे राज्य में। और अभी जब ये पूरा सीजन चल रहा है मानसून का, तो इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्योंकि उत्तराखंड हिली एरियाज हैं, स्लोप ज़्यादा होता है, तो इरोजन बहुत आसानी से होता है। तो कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इरोजन को डिटरमाइन करते हैं, जैसा रेनफॉल, तीन पैटर्न, रेनफॉल, स्लोप और प्रोपोग्राफी, और तीसरा है वेजिटेशन। सबसे ज़्यादा ढलान है, जितना ज़्यादा जब प्रिसिपेशन, बारिश होती है, तो मोस्ट फोर्सफुल फैक्टर कॉजिंग द इरोजन, बारिश सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इरोजन इज डिपेंडेंट ऑन टू द अमाउंट, ड्यूरेशन, कितने समय बारिश होगी। एक घंटे में कुछ नहीं होने वाला, पाँच दिन, अगर चार दिन बारिश होगी, तो उत्तराखंड के पहाड़ स्लिप होने लगते हैं, देखा होगा। इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेनफॉल, जैसे क्लाउड बर्स जब हो जाते हैं, और लगातार जब बारिश होगी, तो उससे ज़्यादा इरोजन्स होगा, ये डिटरमाइन करता है। हर बारिश से रेन, ये भी जरूरी नहीं है कि इरोजन्स होगा। स्लोप ऑफ टॉपोग्राफी, लेकिन हर जगह का इरोजन नहीं होता, जो एरिया ऊंचे में होंगे, नीचे में होंगे, वहीं ज़्यादा होगा। द स्लोप एक्सेलरेट, ये इरोजन्स की जो इंटेंसिटी होती है, उसको बढ़ाया घटा देता है। तो अगर स्लोप होगा, तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, इरोजन ज़्यादा होगा। वेजिटेशंस है, अगर वेजिटेशंस कवर है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा कि खेतों की बाउंड्रीज पे लोग जहाँ ऊंचे नीचे खेत होते हैं, पेड़ लगा देते हैं, सेल्टर बेड लगा देते हैं। अगर वेजिटेशंस नहीं है, तो अगर वेजिटेशन होगा, तो उसकी रूट अपने आप ही बचाएंगे इरोजन्स को। अगर वेजिटेशंस नहीं है, तो फिर आप काउंटर नहीं कर पाओगे, तो आपका सॉयल इरोजन ज़्यादा होगा। सॉयल इरोजन्स के कारण में हमने देखा कि जो कारण हैं, तीन तो इंपॉर्टेंट जो नेचुरल इवेंट्स थे, हमने देखा रेनफॉल है, स्लोप है, वेजिटेशन है, इसमें आपका कुछ हद तक कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जिस तरह से हम बहुत तेज़ी से जंगल काट रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। फॉल्टी कल्टिवेशन मेथड, बार बार खेतों को जोतना, खेतों को खाली छोड़ देना, खेतों में बिल्कुल, हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, हम खेत को जोतने से पहले खेत में आग लगा देते हैं, देखा आपने। तो जब आप खेत में आग लगा दोगे, वो जड़ें आप जला दोगे, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है सॉयल इरोजन्स की, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो आपको इस तरह का एक अच्छी जगह, जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग घरों में ना, हम इस एरिया में जब आप घरों में आलू लगाते हैं, या घुया जो लगाते हैं, या अदरक लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खेत के ऊपर एक कवर रख देते हैं, कुछ घास रख देते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा किया जाता है बारिश के मौसम में, उन एरियाज़ में, हम तो किसी और चीज़ से रखते हैं मॉइस्चर के लिए, वहाँ ऐसा करा जाता है कि एक कवर हमेशा रखी जाती है, जिससे हम इस
इरोजन्स को रोक सके, रेनफॉल और सरफेस रन आउट। सरफेस में पानी दौड़ रहा होता है तो एक वो बहुत बड़ा कारण है। फ्लड है, मास मूवमेंट है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, ये बहुत बड़ा कारण है। जब लगातार ट्रक चलेंगे, लगातार ट्रैक्टर चलेंगे किसी एरियाज में, लगातार इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होगी तो उससे इरोजन्स होगा, क्योंकि ऊपर की परत क्या हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी। और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ेगा मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर कम होगा तो लैंड जो अपने आप में क्या थी, जो चिपकी हुई लैंड थी वो क्या होगी, ढीली होगी और वो हवा में ही इरोजन होने लगेगा। तो बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज, जो बदलता हुआ मौसम और बढ़ता हुआ टेम्परेचर, कम रेनफॉल या ज़्यादा रेनफॉल भी है। तो मैंने कुछ इस तरह से देखा है सॉइल इरोजन्स को। क्लाइमेट चेंज हाल के वर्षों में सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रीजन्स पे बारिश नहीं हो रही है। पहले जहाँ होती थी तो क्या हुआ, तब सॉइल इरोजन हुआ, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तब सॉइल इरोजन हुआ। टेम्परेचर बढ़ने से पूरा का पूरा जो उसका एक सिस्टम्स है, इको सिस्टम्स है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सॉइल का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो बहुत प्रोन होती हैं इरोजन्स के लिए। अगर उस सॉइल में मैनवर ज़्यादा हैं, अगर उस सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा है तो शायद उसके इरोजन होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है। टोपोग्राफी बहुत मैटर है, ढलान में कैसी ज़मीन है और वेजिटेशन कवर, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सॉइल इरोजन्स को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद है, जब सॉयल इरोजन हो रहा है तो कंजर्वेशन कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया, सॉयल इरोजन्स और सॉयल का फॉर्मेशन साथ साथ चलता है। आपने इससे पहले वाली स्लाइड में सॉयल फॉर्मेशन देखा था, सॉयल फॉर्मेशन एंड सॉयल इरोजन सिमल्टेनियसली चलता है। अगर कहीं से सॉयल इरोजन्स होगा तो ये कहीं तो जाएगा ना, जहां जाके इकट्ठा हो जाएगा वहां सॉयल फॉर्म हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, कैसे किया जाए, प्लगिंग अलोंग विद कॉन्टर लाइन्स डिसलरेट द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन द स्लोप, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर फ्लॉगिंग। ऐसी सिंचाई की जाए जो कि ऐसी जुताई की जाए जो कि आप जो वाटर स्लोप है ना, जिससे कि कम इरोड करें। तो इस तरह की कुछ एक जुताई होती है, टेरेस कल्टिवेशन हमारे पहाड़ों में होता है। तो उसमें क्या होता है, पानी बहुत स्लोप में नहीं जाता है तो पानी को जरा सा कम स्पीड हो जाती है, एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तो उससे एक सॉइल इरोजन रुकता है। और जब जो लार्ज फील्ड है ना, जो बड़े बड़े खेत हैं, उनको बीच में जब हम कहते हैं मेड़, उनको स्ट्रिप में डाला जाए, स्ट्रिप में घास लगाया जाए, फसलों के बीच में खाली खेतों को न छोड़ा जाए, तो ये एक तरीका हो सकता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। और प्लांटिंग लाइन ऑफ द ट्रीज टू क्रिएट द शेल्टर हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स। और प्लांट लगाना, बुशेज लगाना, झाड़ियाँ लगाना, ये एक तरीका है जिससे आप सॉइल को सॉइल इरोजन होने से रोक सकते हैं। थैंक यू डियर।